जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में राजस्व निरीक्षकों व लेखपालों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन बाबा गंभीर नाथ सभागार में संपन्न हुआ। कार्यशाला में लेखपालों, तहसीलदारों एवं राजस्व निरीक्षकों को कार्यदक्षता बढ़ाए जाने के संबंध में विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई तथा उन्हें शासन की योजनाओं को संचालित करने में आ रही दिक्कतों को दूर करने की भी जानकारी दी गई। कार्यशाला में लेखपालों की कार्यदक्षता को बढ़ाए जाने के संबंध में विशेष ध्यान दिया गया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जनपद के सभी राजस्व निरीक्षकों, लेखपाल, तहसीलदारों को शासन की योजनाओं की जानकारी प्राथमिकता के आधार पर दी गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि 1 अक्टूबर से शुरू हो चुके धान खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ के दौरान किए गए राहत सामग्री वितरण की फीडिंग कराने, बाढ़ के दौरान जो फसलों का नुकसान हुआ है उसको राहत वेबसाइट में अपलोड करने, आयुष्मान कार्ड और श्रम विभाग के विभिन्न योजनाओं को आच्छादित करने, ग्राम विकास विभाग और पंचायत विभाग की योजनाओं में लंबित प्रकरणों को निस्तारित करने के संबंध में जानकारी दी गई है। ग्राम विकास विभाग और पंचायत विभाग की योजनाओं में लंबित प्रकरणों को निस्तारित करने के संबंध में जानकारी दी गई है। इसके अलावा लेखपालों के द्वारा विभिन्न योजनाओं को संचालित करने के लिए उनकी क्षमता वृद्धि और 2 महीने में उनका लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, उसके साथ आप 124 को भी देखे, 124 को भी देखे और 136 स्पष्ट है या वही की रिपोर्ट पर कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। जो कांगू साहब के माध्यम से जो है वो तहसीलदार को सौंपे दाखिल करेंगे, उसमें सिर्फ इतना है कि विद्रोह करने के पहले उसमें उनको अवैध कब्जेदारी को नोटिस दी जाएगी। इस संबंध में जैसे ही जानकारी होगी एसडीएम साहब सो परिणाम से अथवा किसी के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर में जो व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार राज्य संबंधित हल्का लेखपाल का एक दायित्व तो है कि वो गांव के जिस क्षेत्र का लेखपाल है वो अपने गांव के उल्लेखित घाटों के जो है सीमा चिन्हों का जो है टूट गया है, बिखर गया है, कैसी स्थिति में है, अगर है तो वो किसको रिपोर्ट करेगा, अपने नायब साहब को रिपोर्ट करेगा और उस नायब 22/2 में रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नायब साहब 22/2 में जो है अपने संतुति को साथ एसडीएम साहब को उसको संदर्भित करेंगे। अब उस 22/2 में संदर्भित होने के बाद एसडीएम साहब धारा 23(1) में जो है संबंधित काश्तकार को उसको रिपेयर करने का आदेश निर्देश जारी करें। उसके साथ हमारे संहिता में जो है उस कार्य को अगर नहीं करता है तो उसके लिए पेनाल्टी और बंध पत्र लेने की व्यवस्था की गई है। वो धारा 226 सब क्लास 1 में है। ये जो है आपके सामने जो है आपका जो विवरण मिला हुआ है जो आपके कृषि आवंटन से संबंधित है जो आए दिन आपके सामने आता है, आवंटित भूमि पर अवैध कब्जेदार को बेदखल करने का प्रावधान करती है, क्योंकि अतिक्रमण हटाने में विलंब होता है या कार्रवाई की जाती है। तकनीकी मॉडल एस्टिमेट डिजाइन हमने देखा है, दिया है तो स्कूल चमकानी चाहिए, तो अगर वहाँ पर अतिक्रमण है तो उसको हटाया क्यों नहीं? आज जनपद के सभी राजस्व टीम के सदस्यगण, हमारे लेखपालगण, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सभी को बुलाया गया था। राजस्व संहिता से लेके विभिन्न जो शासन की योजनाओं में उसमें जो लक्ष्य दिए गए हैं, विशेषकर अभी जो प्राथमिकता है धान खरीद के पहले किसानों का पंजीकरण के लिए उनको समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया है, राहत सामग्री जो बांटी गई थी उसका फीडिंग कराने के लिए और साथ साथ जो अभी जलमग्न खेत जो नुकसान हुए हैं किसानों के उसको राहत वेबसाइट में अपलोड कराने के लिए,
आयुष्मान और श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं में आच्छादित करने के लिए, ग्राम विकास विभाग के और पंचायत विभाग की जो योजनाओं में जमीन संबंधित इश्यू आते हैं उसको निस्तारित करने के लिए, शिकायत निवारण प्रणाली और ई डिस्ट्रिक्ट परियोजनाओं में जो लेखपालों की महत्वपूर्ण भूमिका है उसके बारे में, और विभिन्न विशेषज्ञों से उनसे संवाद कराया गया है ताकि उनकी क्षमता वृद्धि हो, उनका लक्ष्य निर्धारित हो और अगले 2 महीने के लिए उनको समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्वक जो काम करना है उसके बारे में स्पष्ट उनकी मत बताया जाए। इसी आधार पर और अच्छी कार्यशाला हुई, अच्छी चर्चाएं हुई हैं और उसके आधार पर सभी संकल्पित होकर वे आश्वासन दे रहे हैं कि जो लक्ष्य निर्धारित है शासन के मंशानुरूप उसको पूर्ण कराया जाए।